अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयदा नाहिदा खादरी, NRQ 24 न्यूज़ से। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम संगारेड्डी आए हैं, जहां पर दरगाह हज़रत इरफानी का उर्से शरीफ हो रहा है। और इसी मौके पर हमारे NRQ 24 न्यूज़ की टीम को खसूसी तौर पर यहां पर बुलवाया गया है। तो इंशाल्लाह इसी ताल्लुक़ से आज हम यहाँ के जो सज्जादा नशीन हैं अहमद बिन उमर अल मारूफ़, उनसे भी हम इस बारे में कुछ बातचीत करेंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद है वो हज़रत इरफानी दरगाह के जो सज्जादा नशीन हैं उमर बिन अहमद अल मारूफ फैज़ अली शाह बंदा नवाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम इनसे भी कुछ मुबारकबाद लेते हैं दरगाह हज़रत इरफानी के उर्से शरीफ के मौके पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत का इस्मे ग्रामी अहमद बिन उमर अल मारूफ हबीब इरफान अली शाह बंदा नवाजी हैं। आप यमन से ताल्लुक़ है आपका, बिम्बरक कबीला है आपका, और सिलसिले चिश्त के नामवर घराने से आपकी बैत हासिल हुई है। सरकार का इसमें कि सरकार यानी जाय पैदाश कोहिर में हुई और उसके बाद संगारेड्डी में माश यानी नौकरी के सिलसिले में यहाँ पे रहे और यहीं पर आप विसाल फरमाए जी। और तो ये कौन सा उर्स है? ये 16वां उर्स इरफानी मनाया जा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी अजीम व शान पैमाने पर मनाया जा रहा है। तो हज़रत यहाँ पर जो मुशायरा जो होता है इसके बारे में कुछ? ये पिछले हम 9वां मुशायरा है जो बैनुल अक़वामी शोरा को मदु करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हिंदुस्तान के नामवर शोरा यहाँ पर अपना कलाम सुना चुके और दाद हासिल कर चुके हैं। हमारे NRQ 24 न्यूज़ को आपने खुसूसन यहाँ पर बुलवाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम तमाम लोग हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत उर्से शरीफ की मुबारकबाद। शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी इस तरीके से आप आते रहेंगे इंशाल्लाह। जी ज़रूर। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इस वक्त यहाँ पर संगारेड्डी में बहुत ही बड़े पैमाने पर उर्से शरीफ को मनाया जा रहा है और साथ ही में यहाँ पर मुशायरे की एक बहुत बड़ी महफिल भी जमाई जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि आप लोग जितना हो सके जो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आने की कोशिश करिए, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस उर्से शरीफ में शिरकत फरमाएँ। और कल भी यहाँ पर चिरागा हैं, अगर आप लोग चाहें तो यहाँ भी चिरागों में भी यहाँ पर अटेंड कर सकते हैं। और समा भी यहाँ पर रखा जाता है लोगों के लिए, जिसमें लेडीज़ का भी अलग से इंतज़ाम किया जाता है। तो आप लोग जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस तादाद में यहाँ पर आकर इस उर्से शरीफ में शिरकत कर सकते हैं। Thank you.
وآلہِ कैमरामैन सैयद अफरोज के साथ। इसी तरह मैं आपके सामने सच्चाई दिखाते रहूंगी। इंतजार करिए मेरे अगले न्यूज़ का। मेरे इस न्यूज़ के पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।